नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नए साल के जश्न आगाज से पहले पटना के स्टेशन रोड पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी लूट की वारदात हुई है। जो जानकारी मिल रही है हमारे पास कि करीब 10 लाख की लूट हुई है, कैश काउंटर से ये पैसे लूट लिए गए। आपको बता दें कि ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी रास्ते से ये बैंक की तरफ ये रास्ता जाता है और बैंक सेकेंड फ्लोर पर है। और आज दोपहर करीब जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, एक की संख्या में अपराधी थी, उन्होंने कैश काउंटर से लूट की है 10 लाख की। उसके बाद आपको एक जानकारी अहम दे दें कि नए साल के जश्न के आगाज को लेकर वैसे भी पटना में चप्पे चप्पर पर पुलिस की तैनाती थी, लेकिन इस तरीके की बड़ी लूट की वारदात शहर के मुख्य इलाकों में स्टेशन रोड पर हो जाना एक बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि लूट की घटना के बाद पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बैंक के बाहर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और एक पैनिक सा सिचुएशन बना। हालांकि अभी सिटी SP विनय तिवारी बैंक के अंदर गए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से अपराधी आए थे, कहां से आया है, कि CCTV फुटेज की मॉनिटरिंग की जा रही है। आखिर कैसे, किस तरीके से अपराधी ने बैंक के अंदर कदम रखा और कैश काउंटर से करीब 10 लाख रुपये लेकर फरार होते चले गए। घटना को हुए हुए करीब एक घंटे बीत चुके हैं। पटना स्टेशन रोड पर अभी पैनिक सिचुएशन बना, पुलिस छावनी में तब्दील की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यह स्टेशन रोड का इलाका है, यहाँ से 2 कदम की दूरी पर पटना रेलवे स्टेशन है और वहीं पर दिन दहाड़े इस तरह की पटना जैसे शहर में के इलाकों में ये लूट का हो जाना एक सबसे बड़ा एक सवाल बन रहा है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि इस लूट की घटना में अंजाम दिए अपराधियों की धर पकड़ करना और कैश की बरामदगी को लेकर भी जल्द से जल्द पकड़ना। आपको बता दें कि नए साल के जश्न के आगाज को लेकर पूरी पटना पुलिस अलर्ट मोड में थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती थी, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भले ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई हो नए साल को लेकर, लेकिन इस तरीके की लूट की घटना हो गई है पटना के स्टेशन रोड पर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।